Hi, this is Shivam Pandey and I hope all you are doing well. In this particular video, I'm going to be talking about the lake. तो झील के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या तरह की झील होती है, what are the different types of झील, उनके characteristics क्या होते हैं, वो सारा कुछ देखेंगे. तो start करते हैं इसकी definition, what is lake? Lake is a large water body of stagnant water within an area. This can be natural formed by glacier or man-made such as reservoir. So, the पहली बात ये कह रहा है कि कहीं पर एक बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो रखा है जो कि रुका हुआ है. स्टैग्नेंट वाटर का मतलब स्टैग्नेंट का मतलब रुका होना है. तो एक जगह पानी इकट्ठा हो रखा है, रुका हुआ पानी, और चारों तरफ वो किसी लैंड से मतलब किसी जमीन से घिरा हुआ है, तो उसको हम लेक कहते हैं. सेकंड कह रहा है कि ये लेक जो है वो नेचुरल भी हो सकते हैं और आपके मैन मेड भी हो सकते हैं, जो आर्टिफिशियल भी आप कह सकते हैं. नेचुरल मतलब जो कुदरती तौर पे कहीं पानी इकट्ठा हो गया तो उसको हम कह रहे हैं वो नेचुरल लेक है, और कहीं पे किसी मानव द्वारा यानी मानव द्वारा निर्मित किया गया है, कहीं पे पानी इकट्ठा कराया गया रिजर्वायर के तौर पे या किसी भी चीज के तौर पे, तो वो हो गया हमारा मैन मेड या आर्टिफिशियल लेक्स. ठीक है, चले आगे और देखते हैं. लेक वेरी ग्रेटली इन साइज एंड डेप्थ, द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, विंड एंड लाइट. द लेक अबंड्स इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस That allows nutrient rich plant to grow. तो कहने की लेक बहुत तरह के होते हैं, बहुत अलग अलग साइज के होते हैं, कुछ बहुत गहरे होते हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े होते हैं. अलग अलग उनके इफेक्ट उनपे जो लेक पे अलग अलग इफेक्ट पड़ते हैं, टेम्परेचर दबाव और टेम्परेचर मतलब तापमान, उसके बाद विंड्स वगैरह या फिर हवा या लाइट वगैरह, तो उनको अलग अलग एक तरह से उस पर्टिकुलर एरिया का जो टेम्परेचर या लाइट वगैरह जो भी रहता है तो उसको लेक पे वो इफेक्ट डालता है, तो उस तरह के वो लेक बन जाता है. थर्ड बात ये कह रहा है कि कुछ कुछ लेक होते हैं वो नीचे रिच होते हैं, रिच मतलब उसमें भरपूर मात्रा से नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये सब चीजें होती हैं, कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो वहां के प्लांट और वहां के एनिमल्स को बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स देते हैं. ठीक है, उसके बाद हम जनरली जो लेक्स हैं उसको क्या किस किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज लिखी हुई है. जैसे फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर मतलब मीठे पानी की झीलें, फिर साल्ट वाटर लेक या स्लाइम वाटर लेक इसको कहा जाता है, नमकीन पानी की झीलें. उसके बाद नेचुरल लेक जो कुदरती लेक्स हैं जो कुदरत द्वारा निर्मित है उसको नेचुरल लेक कहा जाता है. उसके उसी का अपोजिट आर्टिफिशियल लेक होता है जो मैन मेड जिसको हम लेक भी कह सकते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित है. फिर ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक होता है कि एक रिवर की स्ट्रीम जा रही है, बीच में से कट के एक जगह पानी इकट्ठा कर देते हैं, वो ऑक्सबो लेक होगी. फिर कार्टर लेक, कार्टर लेक का मतलब वो होता है कि कहीं पे भी एक उल्का पिंड यानी मीटोराइट्स गिरा है, वहां पे हिट किया है तो वहां पे खड्डा हो गया, वहां पे पानी इकट्ठा हो गया रेन वाटर वगैरह, तो उसको कार्टर लेक कहते हैं. तो उसकी पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, इनके बारे में डेफिनेशन एक से करके देखते हैं. सबसे पहले बात करता हूं फ्रेश वाटर लेक की. फ्रेश वाटर लेक्स आर द बॉडीज ऑफ स्टिल अनसॉल्टेड वाटर सराउंडेड बाय द लैंड. तो ऐसा पानी जहां पे इकट्ठा हुआ है जो कि नमकीन नहीं है, मतलब फ्रेश है, मतलब पीने योग्य है, प्लस वो स्टिल है, मतलब जगह इकट्ठा हो रहा है, हिल नहीं रहा, कहीं बह नहीं रहा, जा नहीं रहा, प्लस आसपास वो किसी लैंड से मतलब कवर है, तो उसको क्या कहते हैं, लेक कहा जाता है. कौन सा, फ्रेश वाटर लेक. आगे कह रहा था वाटर इन द लेक्स कम फ्रॉम द रेन स्नो मेल्टिंग आइस स्ट्रीम एंड ग्राउंड वाटर सीपेज. तो जो ये फ्रेश वाटर लेक होता है जनरली यहाँ पे जो पानी आता है पीने योग्य होता है, पर ये पानी आता कहाँ से है, सबसे पहले ये रेन का पानी इकट्ठा हुआ है वो हो सकता है, या स्नो यानी जो बर्फ है वो मेल्ट होके पिघल के जो एक जगह पानी इकट्ठा हुआ है उसको कहते हैं स्नो या मेल्टिंग ऑफ आइस. उसके बाद स्ट्रीम मतलब किसी रिवर का पानी इकट्ठा हो गया तो उसको हम फ्रेश वाटर लेक भी कह सकते हैं. फिर हमारा जो लास्ट उसने कहा ग्राउंड वाटर सीपेज, ग्राउंड वाटर सीपेज मतलब वही है कि ग्राउंड यानी जमीन से कोई पानी रिस के निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा निकल गया, जगह पानी इकट्ठा हो रहा है, तो उसको कहते हैं ग्राउंड वाटर सीपेज. तो ये कुछ तरीके से आपका फ्रेश वाटर लेक बनता है, मतलब मीठे पानी की झील बनती है. जैसे आप देख सकते हैं मोस्टली आपको अगर हिमालय साइड जाए तो बहुत सारी आपको वहां पे लेक्स मिलती हैं, क्योंकि वो मेल्टिंग ऑफ आइस या नीचे सीपेज वाटर से वो मतलब बनती हैं, उनको फ्रेश वाटर मीठे पानी की झील कहते हैं. आगे बात करते हैं इसी के अपोजिट साल्ट वाटर लेक. साल्ट लेक और सलाइन लेक इज अ लैंड लॉक्ड बॉडी ऑफ अ वाटर दैट हैज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट टिपिकली सोडियम क्लोराइड एंड अदर डिजॉल्व मिनरल सिग्निफिकेंट हायर देन मोस्ट ऑफ द लेक्स. तो कुछ नहीं है, इस वजह से ये कह रहा है कि जो साल्ट वाटर लेक है वो जनरली उसमें काफी नमकीन पानी होता है. नमकीन पानी क्या होता है कि मतलब उसमें आप देखें तो क्या चीज उसके अंदर पाई जाती है, सोडियम क्लोराइड पाई जाती है. सोडियम क्लोराइड जो उसके अंदर डिजोल्व हो गए, मिनरल्स वगैरह डिजोल्व हो गए, इससे पानी को जनरली आप उसको ड्रिंक करें या उसको टेस्ट करें तो वो आपको नमकीन लगता है. उसके अंदर हाईली जो कंटेंट्स होता है वो किसका होता है, उसके अंदर माना जाता है कि एक लीटर में आपका 3 ग्राम सॉल्ट का मतलब मात्रा पाई जाती है, उसके अंदर में सोडियम क्लोराइड पाई जाती है, तो इसलिए उसको सॉल्ट वाटर लेक कहा जाता है. ये पीने योग्य उतना बेसिकली नहीं होता है, इसको जनरली पिया नहीं जाता और इतने मिनरल्स वगैरह उसके अंदर नहीं पाए जाते एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर लेक. तो फ्लोरा फौना यहाँ पे थोड़े कम पाए जाते हैं. आगे बात करते हैं नेचुरल लेक की. ठीक है, नेचुरल लेक और आर्टिफिशियल लेक का डिफरेंस देख लेते हैं. एक साथ
नेचुरल लेक्स आर फॉर्म थ्रू द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लेक फॉर्मेशन लाइक द प्लंज पूल एंड लगूंस। तो कहते हैं नेचुरल लेक्स वो लेक्स होते हैं जो कैसे भी करके मतलब नेचुरली कुदरती तरीके से अपने आप बन चुकी हैं, मतलब कहीं पे खड्डा वहां पे बन गई है या कोई कोस्टल एरिया से पानी इकट्ठा हो गया, लगून क्रिएट कर देता है, तो उसको बेसिकली नेचुरल कहते हैं जो कुदरती तौर पर बनती है नेचुरल लेक। और उसी के अपोजिट होता है आर्टिफिशियल लेक। ठीक है, तो आर्टिफिशियल लेक में क्या कह रहा है, आर्टिफिशियल लेक फॉर्म बाय द मैन मेड प्रोसेस लाइक अ रिजर्वायर कंस्ट्रक्शन। तो आर्टिफिशियल लेक है कि एक मैन द्वारा, एक ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाई गई है, और किसके मतलब किसके पर्पस से बनाई, या फिर उसको रिजर्वायर बनाया, या फिर यहाँ पे कोई आपका वाटर प्लांट बनाया, कुछ भी बनाया, या फिर यहाँ पे कोई एक तरह से गार्डन वगैरह के लिए लेक बनाता है, तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल लेक। बस ये यहाँ पे मतलब यही है कि एक मानव द्वारा कोई भी अगर लेक निर्मित हो रही है किसी भी काम के लिए, एज अ रिजर्वायर, एज अ डैम, कुछ भी करके, तो वो हो गई मैन मेड लेक या आर्टिफिशियल लेक। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक देख सकते हैं, बोटिंग वगैरह के लिए बनाई है, या रिजर्वायर का काम थोड़ा बहुत साइड में चल रहा होगा, तो दिस आर द मैनमेड लेक और आर्टिफिशियल लेक। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं ऑक्सबो लेक पे। ऑक्सबो लेक क्या होती है, तो ऑक्सबो लेक कुछ नहीं होती, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। ऑक्सबो लेक या यू शेप लेक दैट फॉर्म्स व्हेन अ वाइड मेंडर ऑफ अ रिवर इज कट ऑफ क्रिएटिंग अ फ्री स्टैंडिंग बॉडी ऑफ वाटर। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मेंडर। मेंडर का मतलब कुछ नहीं होता, जो ये कर्व क्रिएट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं रिवर बह रही है, तो ये जो कर्व क्रिएट करती है, तो इसको मेंडर कहा जाता है, मेंडर कहा जाता है। ठीक है, कट ऑफ क्रिएटिंग अ फ्री स्टैंडिंग बॉडी, तो कुछ नहीं कह रहा, कह रहा कि जब ये कर्व क्रिएट करता है, कोई आपकी जो मतलब रिवर है वो टेढ़ी मेढ़ी बह रही है, तो वहां पे एक साइड में कर्व क्रिएट करता है, और कर्व क्रिएट करने के लिए जगह पानी कट होता है, कभी कभी पानी इतनी फ्लो से आता है तो कर्व को ना फॉलो करता है, वो सीधा फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे तो कर्व क्रिएट हो गया, पर लेकिन तो ये कर्व क्रिएट हो गया, इसको ही ऑक्सबो लेक कहते हैं। मतलब पानी टेढ़ा मेढ़ा तो बह रहा था पहले, पर टेढ़ा मेढ़ा बहने के साथ एक जगह पानी इकट्ठा कर देता है, पर इकट्ठा करने के बाद वो फिर से पानी का फोर्स इतना तेज होता है कि वो उसको पानी के जो कर्व को फॉलो नहीं करता, सीधा बह जाता है, तो वो जो साइड में पानी इकट्ठा हुआ है उसको ही हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। आगे बात करते हैं कार्टर लेक के। तो कार्टर लेक कुछ होता है, कुछ वहाँ पे एक एस्ट्रॉइड या मेटर कुछ हिट कर जाता है, तो वहाँ पे खड्डा हो जाता है, तो खड्डा जो एरिया में पानी भर जाता है उसको ही हम कार्टर लेक कहते हैं। तो कार्टर लेक आर क्रिएटेड बाय एन एस्ट्रॉइड कोलिजन विद द अर्थ इंपैक्ट ड्यूरिंग द पैलेस्टोनिक एपोक। तो ये कुछ नहीं, बस इसके ये जो एंड में आपका पैलेस्टोकेन जो एपोक है, एक ड्यूरिंग अ टाइम है, ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल तौर पर इसको टाइम को डोनेट किया जाता है, जो पुराना टाइम होता है। तो कार्टर लेक का मतलब कुछ नहीं होता, एक जो आपकी पृथ्वी है उसके अगर सरफेस पे कोई एस्ट्रॉइड हिट कर जाता है और वहां पे एक बड़ा इंपैक्ट डाल देता है, बड़ा खड्डा कर देता है, तो उसमें अगर पानी भर जाता है उसको कार्टर लेक कहा जाता है। तो हमारे इंडिया में एक लोनार लेक से फेमस है, महाराष्ट्र के बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट में आई गेस, तो वहीं पे ये कार्टर लेक फॉर्म हो रखी है। तो ये कार्टर लेक की मतलब लोनार लेक की फोटो है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है ये, तो यहाँ पे ही है। ठीक है, तो अब ये तो हमने पढ़ लिया, जो हमने सबसे पहले कैटेगरीज देखी थी, मैन मेड लेक, आपके फ्रेश वाटर, साल्ट वाटर, नेचुरल लेक है। तो इसी में आपके अगर नेचुरल लेक में कुछ और जो डेफिनेशन जिसके बारे में क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं, तो उसके होते हैं अदर कुछ आपके अदर कैटेगरी जो लेक के हैं, वो है टेक्टोनिक लेक्स। तो टेक्टोनिक लेक्स कुछ नहीं होता, बेसिकली जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उसकी मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट होकर इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं, बीच में अगर एक गैप क्रिएट कर देते हैं तो वहीं पे जब पानी इकट्ठा होता है उसको टेक्टोनिक लेक्स कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। टेक्टोनिक लेक्स आर लेक्स फॉर्म्ड बाय अ डिफॉर्मेशन एंड रिजल्टिंग अ लैटरल एंड द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। दिस मूवमेंट इंक्लूड द फ्लॉन्टिंग, टिल्टिंग, फोल्डिंग एंड रैपिंग। फ्लॉन्टिंग मतलब चौड़ा होना, टिल्टिंग मतलब टेढ़ा होना, फोल्डिंग मतलब मुड़ जाना, रैपिंग मतलब पूरे ही मुड़ के दो तीन कर्व मार लेना। ठीक है, तो ये कुछ मतलब आपकी पता है जो अर्थ की क्रस्ट होती है, उधर आपके टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह होते हैं, वो आपस में मूव करते हैं, और ये जब आपस में टकराते हैं, एक ऊपर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो हम अर्थ को एक फेस करते हैं। तो यही रीजन होता है कि ये चेंज हो जाते हैं, दो दिन के बीच में गैप क्रिएट होता है, जहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसी को हम टेक्टोनिक लेक्स कहते हैं। तो ये मतलब क्लियर होगा आपको। फिर देन है आपका वोल्केनिक लेक। अब वोल्केनिक लेक क्या होता है, जनरली आपको वोल्केनिक फटता है, नीचे तक होता है जो ज्वालामुखी होता है वो फटता है, तो एक जगह से माउथ से फटता है, माउथ क्रिएट कर देता है, जगह मतलब एक जगह क्रिएट कर देता है, मैं हिंदी में क्या बोलूं, एक जगह क्रिएट कर देना, एक माउथ बना देना, एक गैप क्रिएट कर देना। तो जब वो जगह क्रिएट करता है, बाहर लावा निकलता है, वहां पे वो मतलब एक एरिया बन जाता है, वहीं पे जब पानी इकट्ठा या पानी कैसे भी करके इकट्ठा हो जाता है किसी भी चीज से, तो वो बन जाता है हमारा वोल्केनिक लेक। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। द वोल्केनिक क्राटर लेक इज अ लेक इन ए क्राटर दैट हैज फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्सप्लोसिव एक्टिविटी ऑफ कोलैप्स ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन। तो वोल्केनिक इरप्शन जब भी होता है, तो वहां पे एक जो खड्डा क्रिएट हो सकता है, जब यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो खड्डा क्रिएट हो गया, तो ग्राउंड वाटर या जो कहीं का भी वाटर में इकट्ठा हो जाता है, तो उसको जब लेक जो बन जाती है, वो हो जाती है हमारी वोल्केनिक लेक्स। ठीक है,
उसके बाद हम और देखते हैं आगे ग्लेशियर लेक है, तो ग्लेशियर लेक भी वही अपने जो स्विमिंग फ्रेश वाटर लेक पड़ी तो उसी का एक एग्जांपल है, पर ये अलग से मैं आपको बता दूंगी इसके अंदर क्वेश्चन जनरली आता है। तो अ लेक फॉर्म्ड बाय द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स कॉल्ड अ ग्लेशियर लेक, मोस्ट ऑफ द लेक्स इन द हिमालयन रीजन आर द ग्लेशियर लेक। तो ग्लेशियर लेक सिंपल सी वही है जो ग्लेशियर वगैरह पिघल के एक जगह इकट्ठा कर रहा पानी जनरली, तो उसको हम ग्लेशियर लेक कहते हैं। जैसे आप हिमालय के बहुत सारे लेक जो आप पिंगसोरी या वगैरह जो लद्दाख वाली साइड जाते हैं अगर ऊपर आप गए होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा या पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा, तो वहां पे जो मेल्टिंग ऑफ द आइस या मेल्टिंग ऑफ द स्नो जिससे जो ग्लेशियर वगैरह से पिघल के जो आइस वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है वहाँ पे आसपास जो लेक बनाते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं देखने में, तो वो लेक हम ग्लेशियर लेक कहते हैं। तो जनरली इन कैटेगरीज के लेक्स में वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, अगर ज्योग्राफी के आप स्कॉलर बनना चाहते हो तो बहुत सारी लेक्स आते हैं, पर जनरली इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं हमारी लास्ट लेक को, एक लगून देख लेते हैं। अब देखिए लगून जो है लेक्स में थोड़ी सी बस ये कंफ्यूजन रहती है, जो लगून होता है वो हमारा क्या कहते हैं ओशन से जो पानी इकट्ठा होता है, मतलब ओशन का जो पानी होता है वो एक जगह आके पानी छोड़ देता है, एक जगह पानी आके इकट्ठा कर देता है, तो उसको लगून कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखिए यहाँ पे क्या है, लगून इज अ क्लोजर टू द ओशन वेयर एज द लेक्स आर द फार फ्रॉम द ओशन। ठीक है, तो जो लगून होते हैं वो क्लोज टू द ओशन होते हैं, ओशन मतलब जो आपका समुद्र या महासागर वगैरह कहते हैं, उससे जो पानी इकट्ठा होता है जो सलाइन वाटर होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे देख सकते पीछे आपके सी है या आपका महासागर, वो एक जगह पानी इकट्ठा कर दे रहा है, कहीं भी खड्डा होगा कहीं भी ये आगे इसकी लहरें आती है तो यहाँ पे पानी इकट्ठा कर देता है, उसको लगून्स कहते हैं बेसिकली। ठीक है, और वेयर एज हमारे जो लेक्स होते हैं वो हमारे ओशन वगैरह से नहीं होते या फिर वो रेन वाटर से या इधर उधर के वाटर से इकट्ठा होकर बनते हैं। लगून इज सॉल्ट वाटर बॉडी वेयर एज लेक्स आर द मोस्टली फ्रेश वाटर बॉडीज। तो कहते हैं जो लगून होता है वो हमेशा सॉल्ट वाटर, क्योंकि जो इसका ओरिजिन है जो इसका सोर्स है वही हमारा सी है महासागर, वो तो खुद ही अपना इतना साल्ट होता है, साल्टी होता है, सलाइन होता है, तो जो लगून ये क्रिएट करते हैं ये भी बहुत सलाइन होते हैं, बहुत साल्टी होते हैं इनका जो वाटर होता है, या अगर उसको कंपेयर करें हमारे जो बाकी के लेक्स हैं तो वो फ्रेश वाटर होते हैं, जनरली मीठे पानी होते हैं जिसको आप पी सकते हैं। तो यही है, जैसे कि हमारे इंडिया की बात करो तो हमारे इंडिया में बहुत बड़ी चिल्का लेक है, मैं यहाँ पे गया हूँ, बहुत बड़ी है, मतलब यहाँ पे पूरा घूमेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये हमारी बे ऑफ बंगाल का जो समुद्र का पानी आता है, जो हमारी बे ऑफ बंगाल जो बंगाल वाली साइड है या हमारी जो उड़ीसा बंगाल के नीचे उड़ीसा है तो वहीं पर ये क्रिएट होती है हमारे, तो वहीं से ये पानी जो ओशन के यहाँ पे ट्रैवल होकर आगे आ जाता है, तो यहाँ पे जो ये पानी को ट्रैप कर लेते हैं एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं, यही हमारी चिल्का लेक है, ये सलाइनेस्ट वाटर लेक हमारे इंडिया में है। ठीक है, तो ये चिल्का लेक आप जैसे जान सकते हैं। तो बस यही था आपका, हमने सारे पढ़ लिया, दोबारा एक बार थोड़ा इसको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, जैसे फ्रेश वाटर लेक जो हमारी कुदरती तौर पर जो हमारी ग्लेशियर वगैरह या स्नो वगैरह से पिघल के बनती है, सॉल्ट वाटर जहाँ पे मतलब नमकीन पानी पाया जाता है उसके अंदर मतलब सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, नेचुरल लेक जो हमारा कुदरती तौर पर बनता है, आर्टिफिशियल लेक जो हमारा मैन या ह्यूमन बींग्स वगैरह बनाते हैं, ऑक्सबो लेक जो पानी का बहाव कट रहा है, मिरांडर्स बन रहे हैं अगर वो मिरांडर्स को फॉलो करते हैं एक जगह साइड में पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो ऑक्सबो लेक हो गई, फिर कार्टर लेक जहाँ पे कोई एक हिट करता है, बाकी नीचे हमने पढ़े लगून्स वगैरह ये होते हैं जो लगून्स ओशन के पास बनते हैं जनरली, और जो हमारे आम लेक्स होते हैं वो हमारे फ्रेश वाटर या कहीं भी इकट्ठा हो जाता है पानी किसी एक जगह पे तो उसको कहा जाता है। तो ये सारी लेक्स है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में दुनिया की कौन इंपॉर्टेंट लेक्स है उसको देखेंगे, प्लस हमारे इंडिया के कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स है उनके बारे में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।